हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इंडिया में विंटर स्टार्ट हो चुका है एंड इस टाइम पे जो नए पेट ऑनर है उनका ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि विंटर में अपने पेट्स का ख्याल कैसे रखें। तो मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, हाउ टू केयर रैबिट्स इन विंटर विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम। लेट्स बिगिन। तो गाइज, मेरे पास भी एक 2.5 ईयर ओल्ड रैबिट है एज अ नेम ऑफ ओरियो। तो ठंड से बचाने के लिए जो चीज़ें मैं ओरियो के लिए करता हूँ वही चीज़ें मैं आपसे भी शेयर करूँगा। सो गाइज, मैंने अपने रैबिट को एक छोटा सा रूम दे रखा है और साथ ही साथ मैंने उसके लिए एक केज भी रखा है, क्योंकि मैं हर वक्त ओरियो को रूम में नहीं रख सकता हूँ। और अगर आपके पास केज नहीं है तो आप अपने बनी या रैबिट के लिए एक केज ज़रूर लें। सो गाइज, आप रैबिट को केज में यूं ही ना रखें, रखने से पहले उसमें कुछ कपड़ों का एक मोटा सा लेयर ज़रूर बिछाए या जूट का बोरा दे, इनसे उन्हें ठंड लगने के चांसेस बहुत कम हो जाती है। और रात के वक्त उन्हें केज में ही रखें, उन्हें घर में खुला यूं ही ना छोड़े, या फिर ठंड जिस समय ज़्यादा होती है उस समय से आप उन्हें केज में ही रखें और केज के ऊपर से एक मोटा कपड़ा से ढक दे ताकि उनमें ठंडी हवा न जाए। और रात भर आप अपने बनी को केज में वैसे ही रखें, उनके ऊपर से कपड़ा ना हटाएं। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो अगर पॉसिबल हो तो आप रूम हीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूम हीटर यूज़ करने से रैबिट पे कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, आप आराम से रूम हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह के वक्त की जो धूप होती है उस टाइम की धूप आप अपने बनी को ज़रूर दिखाएं और ट्राई करें कि आधा से एक घंटा वो धूप में ही रहे, और इसके बाद आप इन्हें केज में से निकाल सकते हैं। और केज में जो आपने कपड़ा या बोरा बिछाया था उसे आप धूप में रख दीजिए, और शाम तक धूप दिखाने के बाद उसे आप वापस केज में रख दीजिए। एंड वन मोर थिंग, आपके पास एक्स्ट्रा बोरा या कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ फ्लोरिंग। फ्लोरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है रैबिट्स की अच्छी हेल्थ के लिए, और मेरे घर की जो फ्लोरिंग है वो मार्बल्स की, और मार्बल्स ठंडे होते हैं। लेकिन मुझे इस बात का एडवांटेज मिलता है कि ओरियो के रूम का फ्रंट साइड ईस्ट के डायरेक्शन में है, और इसीलिए रूम में अच्छी खासी धूप आती है, और सुबह 7 बजे से दोपहर के 2-3 बजे तक रूम का टेम्परेचर एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर इतना होता है, और ओरियो आराम से रूम में रह लेता है, उसे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके भी घर की फ्लोरिंग मार्बल्स या टाइल्स की है तो घर का ऐसा कोना ढूंढिए जहाँ पर धूप अच्छी खासी आती हो और जहाँ पे आप अपने रैबिट्स को खुला छोड़ सकें। और अगर आप अपने रैबिट को रूम में रख रहे हैं तो रूम में बोरा या कपड़ा ज़रूर रखें ताकि जब भी उन्हें ठंड महसूस हो तो वो उस पर आके बैठ सके। और अगर कोई ऐसी रूम नहीं है जहाँ पे धूप आती हो तो आप उन्हें केज में भी रख सकते हैं, उसमें भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और कभी कभी जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो मैं अपने ओरियो को केज में ही रखता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए उसे केज में से निकालना पड़ता है क्योंकि मैंने ओरियो को पॉटी ट्रेनिंग दिया है, इसीलिए वो केज में पॉटी या पी बिल्कुल ही नहीं करता है। एंड आप भी अपने बनी को या रैबिट को पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं, इट्स वेरी इजी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि मैंने कैसे अपने बनी को पॉटी ट्रेनिंग दिया, देन कमेंट। बैक टू द पॉइंट, अगर आपके घर की फ्लोरिंग प्लास्टर की है तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है, रूम में धूप आए या ना आए आप आराम से उन्हें रूम में रख सकते हैं, लेकिन वेदर का सनी होना ज़रूरी है और शाम को आपको उन्हें केज में ही रखना है। नेक्स्ट वन इज़ डाइट। डाइट में आपको ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ का रखना है कि इन्हें फ्रिज का कुछ ना दे, इसे अवॉइड करें। और खाने के लिए आप कॉलीफ्लावर या गोभी का छिलका दे सकते हैं या फिर मटर का छिलका दे सकते हैं। मैं भी अपने ओरियो को ग्रीन वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं मैं मोस्टली इसे यही देता हूँ। इनको खिलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खिला सकते हैं, अगर आपको जानना है कि आप क्या खिला सकते हैं क्या नहीं खिला सकते हैं देन ऑल्सो कॉमेंट। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। डू सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्टिंग।